है गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल तो होप आप सब अच्छे से होंगे हम लोग भी अच्छे से हैं तो अभी मर्निंग के बजरा है साढ़े आठ में अभी उठ रही हूँ और पुष्पा आगे ही काम करती है तो जाने के बाद जो कुछ मैं नहाऊंगी फ्रेश हो जाऊँगी ब्रश भी नहीं की हूँ तो चलिए फर्स्ट उसको थोड़ा सा टी दे देती हूँ टी देने के बाद वो जाने के बाद जो कुछ तो क्योंकि ठंडा भी है ठंडा थोड़ा कम गया कम हो गया लेकिन फिर भी है तो चलिए तो, तो।, तो इसलिए वो दूसरा लैंग्वेज कुछ समझती नहीं है खाली कन्नड़ या तेलुगु समझती है हिंदी भी ठीक से नहीं समझती है जो भी कुछ होता है हमारे बीच में ऐसे ही इशारा करके तो चलिए मैं अभी रोटी दे दूंगी कौवा को कौवा मतलब पिजन आते हैं इस तरफ तो मैं पहले क्या करती थी ना छत में जाके देती थी लेकिन अब भी मुझे थोड़ा इजी हो गया इस घर में तो यहाँ पे है जो पीछे का जो है विंडो में जो ताज़ा लगता है ताज़ा तो बोलते उड़िया में हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं तो उसमें डाल देती हूँ तो वो आके खा देते आराम तो से मुझे बहुत ईजी पड़ता है और लेकिन रोज रोज उस रूम में क्या होता था ना मैं ऊपर जाके देती थी तो ऐसे टुकड़ा करके वहाँ पर डाल देती तो वो आके खा देते बहुत अच्छा लगता है तो मैं इतना ज़्यादा भी नहीं देती हूँ क्योंकि इतना कौवा नहीं आते तो कभी बिस्किट्स कभी रोटी कभी कुछ भी ऐसे ब्रेड यहाँ पे डाल देती तो पिजन आके खा जाते हैं और और जो होता है गिलेरी ना गिलेरी कभी कभी आके खाते हैं तो देखने से बहुत मज़ा लगता है मैं पीछे की तरफ जो बालकोनी वहाँ पे जाके देखती हूँ वो खाते या नहीं या ठीक से नहीं गिरा है तजेब के ऊपर तो ये सारा मैं फोल्ड कर लूँगी अभी तो हो गई मैं नहा के रेडी अभी चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया टेन हो गया तो पूछना बहुत देर कर दी क्योंकि बहुत सारा था आज क्या कंटेनर बहुत सारा था कल बड़ा बनाई थी तो बहुत सारा हो गया था तो इसको मैं मतलब उसको थोड़ा टाइम लगा और यहाँ पे है मैं जो बनाई थी कल दही बड़ा तो दही बड़ा खाओगे कितना यम्मी लग रहा है ना आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया हुआ था ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है तो चलिए हम अभी मैं इतना देर भी नहीं करूँगी खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ सच बोलूँ तो ये जो दही बड़ा है ना बहुत ही अम्मी था और मैं इसको फ्रिज में नहीं रखी थी क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होने से और भी अच्छा लगता है और ये हमारा स्टेट का उड़ीसा का बहुत प्यारा सा खाना है सबको पसंद है दही बड़ा कैसे भी हो साइकिल में आए या रेस्टोरेंट जाओ कहीं भी मिले तो खा लेते हैं और ये कल से चल रहा है हमारा दही बड़ा खाना तो ये देखिए मेरा टेबल कैसा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ सारा रात को यहाँ पे ला के रख देती हूँ क्योंकि पुष्पाई वहाँ पे काम करती है किचन में तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा साफ सुथरा करने में तो इस ये देखिए आइसक्रीम का पॉट है मैं कलर कर दी से और ये जो स्टैंड है ना दो तरफ मैं रखती थी इसको क्रासुला छोटा छोटा मतलब टुकड़ा तुप, ला के मैं इसमें डाल दी हूँ बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसका पत्ता गिर गया तो चलो यहाँ पे जितना भी है अभी साफ़ सुथरा करूँगी ये टमाटो भी है कल से मैं धो के यहाँ पर रखी हूँ और जितना भी ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पर रात से है तो ये सारा भी अभी रखूँगी खाना और मेरा जो ये लक्की बाम्बो हो ना काल से बिल्कुल पानी नहीं था मुझे पता नहीं कब पिंटू सुबह देख के बोले हैं कि पिंटू भी इतना मतलब नहीं देख पाते बिजी विजी में और मैं इसको इतना केयर लेती हूँ मुझे पता नहीं कब से पूरा पानी सूख गया था पिंटू सुबह पानी दिए हैं इसको और बोले अच्छे से इसका केयर लो क्योंकि मैं बिल्कुल देखा नहीं इसको बाहर रख देती हूँ ना एक दो दिन में पानी सूख जाता है पहले मैं क्या करती थी हफ्ते में एक बार पानी देती थी, थी लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया मुझे मैंने देखा नहीं तो मैं एकदम शौक हो गई पानी दो दिन में नहीं है तो बिल्कुल बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है ना इसीलिए अभी तो उड़ीसा में बहुत मतलब वेदर ख़राब है बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रहा है यहाँ पे चलो हवा लग रहा है लेकिन धूप है और एक तो प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर के अंदर धूप आता है तो बहुत अच्छा लगता है एक घंटा या डेढ़ घंटा ऐसे रहता है सुबह आप बाहर मत जाओ तो चलेगा तो यहाँ पे एक टोस्टूल डाल के आप बैठ लो तो विटामिन डी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह मैं उठ के यहाँ पे थोड़ा बैठती हूँ यहाँ पे बैठ के थोड़ा जो भी ड्राई फ्रूट्स से यहाँ पे बैठ के खाती हूँ तो चलो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है ये धूप आना घर के अंदर से तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ये है मेरा लंच टाइम मैं चावल को भी बिठा दी और एक तरफ़ क्या आज करूँगी क्या दाल के साथ थोड़ा सा आलू जैसे कस्सा करूँगी तो ये आलू को मैं प्रेशर लगा के भी उतार दी और यहाँ पे बैठा है मेरा दाल और आलू कस्सा के साथ ये दाल दाल के साथ फिर होगा क्या थोड़ा सा चिप्स करूंगी सारा काट कुट भी ली करने के लिए तो मुझे मैं पहले से ही आपको बोली मुझे इजी पड़ेगा और इसके साथ क्या बनाऊँगी ये जो है सारा थोड़ा मतलब ये कर दूंगी इसको चिप्स बना लूंगी पोटल है पोटल के साथ ये है फूलगोभी तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मैरिनेट करके अभी रख रख दूंगी और ये जो देख रहे हैं ना आप ये चावल का जो पानी है धोने का पानी है मैंने यूट्यूब में देखा तो ये स्टार्ट कर दिया प्लांट्स के साथ तो इसको लेके मैं प्लांट्स में डालूंगी एक दो दिन हो गया मैं इसको स्टार्ट की हूँ सुने कि ये प्लांट्स बहुत ग्रो करता है अच्छा होता है इसके लिए तो इसीलिए मैं इसको लेके अभी बाहर में डालती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए प्लांट्स के साथ तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको जितना भी चावल का पानी होता है ना आप रख दीजिए उसको डालिए मैं एक दो वीडियो में इसे देखी हूँ प्लांट्स केयर में देखती हूँ हमेशा देखते रहती हूँ तो इसमें अभी डालूँगी मैं जो सारा प्लांट्स में तो नहीं होगा कुछ प्लांट्स में होगा ये मेरा चना दाल है जो कि मैं खरीद के नया रख के गई थी घर तो आने 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 आके जब देखा मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हो गया है तो इसको थोड़ा धूप में रख दी तो सारा चला गया नहीं तो सारा में हो जाता था तो चलिए इसको मैं थोड़ा डाल देती हूँ सारे प्लांट्स में तो नहीं होगा आप आज कुछ प्लांट्स में कल और कुछ प्लांट्स में ऐसे ही करके मैं इसको देती हूँ तो लो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे पता नहीं एक महीना में देखूँगी ये कड़ी पत्ता है पापा मुझे दिए थे तो इसमें मैं डालती हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया है तो हो जाए इसमें भी डालती हूँ सारा मैं डालती हूँ लेकिन आ, और ये जो है मुझे दीदी दी थी इसका सीड्स अपराजिता जिसे बोलते हैं ब्लू कलर का है तो मैं बहुत डाल बहुत सारा आठ दस ऐसे डाली थी लेकिन हुआ नहीं था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्यों नहीं उठ रहा क्यों नहीं उठ रहा तो ये फाइनली आ गया तो ये देखिए छोटा छोटा चल आ गया अभी आठ दस में डाली थी इसमें तो दो निकल गया अभी बहुत एक्साइटमेंट में मैं थी क्योंकि डेढ़ महीना हो गया तो ठंडा का सीजन है दीदी ने बोला कि ऐसे ठंडा का सीजन है तो ठंडे में ये थोड़ा लेट होता है तो लेकिन मैं रोज़ रोज जाके देखती थी अभी स्टार्ट हो गया तो इस ये अभी ग्रो करेगा फूल भी आएगा तो मैं आ, वो भी इंतजार में हूँ कब फूल आएगा कि कब मैं भगवान को दूंगी तो मुझे बहुत पसंद है फूल आए तो मैं लेके पूजा करूँ रोज़ रोज़ बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे ही मेरा प्लांट्स एक्चुअली ना अभी पता नहीं ठंडे का सीजन या कुछ भी एकदम मुरझा जाता है बिल्कुल अच्छा भी नहीं है तो मैं अच्छे से इसको केयर ले रही हूँ इसी लिए तो चलिए गाइस वो ये भी देखिए एकदम खाली इसका स्टिक्स है सारा झड़ गया धूप में या कुछ मुझे पता नहीं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है अभी तो ओके गाई चलिए अभी मैं क्या करूँगी राइस को स्ट्रेन कर दू कर दूँगी राइस भी हो गया है मेरा तो चलिए जल्दी जल्दी अभी बना लेती हूँ सारा चीज़ और होने के बाद हम करेंगे लंच और ये जो चिप्स बनाती हूँ ना चिप्स पिंटू को बहुत पसंद है तो चिप्स को ऐसे ही मैं धो के यहाँ पे रख दी थी तो इसको डाल दूँगी क्योंकि इसमें मैं राइस ट्रेन करती हूँ तो ये पिंटू को बहुत पसंद है ये खाली चावल के साथ दाल के साथ पिंटू खा लेंगे पिंटू को इतना पसंद है एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है ये जो चिप्स तो चलिए मैं अभी सारा काम ख़त्म करती हूँ एक एक करके नहीं तो देर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं दो तरफ बिठा दी एकदम जल्दी होगा करके क्योंकि थोड़ा देर हो रहा है तो इसीलिए सुबह भी हम लोग ब्रेकफास्ट किए हैं लेकिन ज़्यादा देर होने से अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पिंटू का काम भी होता है तो मैं मेरा इसको स्ट्रेन कर ली अभी चलेगा मेरा ये कस्सा कस्सा के साथ दाल तो कुछ भी नहीं है खाली इसको आ, मतलब क्या तड़का लगा देने से हो जाएगा इसके बाद छान के हम लोग खा लेंगे ये उबला हुआ आलू है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको फ्राई तो करते हैं ना तो थोड़ा सा फ्राई करके अभी जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है खाली मसाला थोड़ा सा फ्राई होने से इसमें ऐड कर दूँगी तो चलिए मैं जल्दी जल्दी करके फिर मिलती हूँ आपसे और डाल को सीटी लगाने के बाद मुझे बहुत दिन प्रॉब्लम ऐसे होता है कि सीटी ठीक से नहीं लगता है ठीक से नहीं लगता है, मतलब दो तीन सीटी देती हूँ लेकिन कभी कभी होता है ठीक से कभी कभी नहीं होता है मुझे ये प्रॉब्लम रहता है और मैं ऐसे ही चेक करती हूँ कभी नहीं होता तो फिर से मुझे सीटी लगाना पड़ता है तो आज चलो परफेक्ट हुआ है और ऐसे ही मैं टमाटो एक डाल देती हूँ दाल में तो बहुत अच्छा लगता है तो चलो आज परफेक्ट ही हुआ है और ये खाली बाकी है ये भी हो गया है मेरा तो अब भी मैं बनाऊंगी क्या वो चिप्स चिप्स के लिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या उसमें मैं ऐड करती हूँ चलो चिप्स बनाती हूँ चिप्स के लिए मैंने यहाँ पर रखा है जिंजर गार्ली का पेस्ट ये बहुत रेड है क्योंकि मैं इसमें क्या जो ड्राई चिल्ली ऐड करके इसको ग्राइंडिंग कर ली थी तो इसीलिए ये बहुत रेड हो गया है तो यहाँ इसमें भी तीखा है और इसमें मैं राइस का आटा जो चावल का आटा है चावल का आटा ऐसे थोड़ा ले ले थोड़ा मतलब ऐसे मेजरमेंट नहीं की हूँ अनुमान करके ऐसे दो तीन चम्मच ले लीजिए तो थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि है कॉर्नफ्लोर तो इसको भी मैं ऐसे ही डाल दी हूँ क्योंकि मेजरमेंट क्या करूँगी ऐसे ही डाल दी हूँ क्योंकि कभी कभी करती हूँ तो ऐसे ही अंदाज लगा के मैं कर लेती हूँ और इसमें चिली जाएगा चिली पाउडर हल्दी पाउडर जीरा पाउडर आप दे या ना तो भी चलेगा और थोड़ा सा मैं दी इसमें कुरियंडर का पाउडर और जो है क्या मेन चीज़ जो है मैं आपको दिखाती ढूंढने से जब ढूंढती ना कोई चीज़ मुझे ठीक से नहीं मिलता है तो इसको उस दिन ना बहुत ढूंढी थी मैं क्योंकि चार पांच डिब्बा ऐसे बड़ा बड़ा है तो किसके अंदर में रख दी थी उसको पता नहीं तो वो ढूंढ ढूंढ के फिर बहुत टाइम के बाद मुझे मिला सारा मतलब चिड़चिड़ लगता है इतना ढूंढने से तो ये था तिल जो कि तिल डालने से बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें तिल तिल डालती हूँ तो ये मुँह में लग मुँह में लगने से बहुत मतलब इसका जो टेस्ट अच्छा लगता है फ्लेवर आने से बहुत अच्छा लगता है इसे तिल बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ मैं और आपके हिसाब से आप साल्ट इसमें डालो और थोड़ा ड्राई है तो इसीलिए मैं क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको छान के रखी थी तो थोड़ा ड्राई है तो मैं इसमें इसको ये क्या ना थोड़ा सा पानी में इसको मैरिनेट करके रख दूँगी दस मिनट के लिए क्योंकि अभी टाइम नहीं, नहीं था इसीलिए और ये जो टाइम था इवनिंग का टाइम तो हमारा लंच करके हम सो के भी उठ गए थे तो उस दिन खाना ही था खब में खाना ही दिखा रही हूँ क्योंकि बाहर जाने का इतना प्रोग्राम नहीं था ये जो दही बड़ा था ना मैं सुबह जो बनाई थी क्या आलू का कस्सा उसमें दे के खाने के लिए प्रोग्राम था तो मैं आलू का कस्सा भी थोड़ा रखी थी बचा के मतलब खा नहीं पाए थे तो बच गया था और ये ना एकदम खट्टा होते जा रहा था जितना भी देर तक आप इसको रखो ना इसे बाहर रखो फ्रिज में मत रखो तो खट्टा होते जा रहा है और दही बड़ा में जो खट्टा पोन आ जाने से एकदम मज़ा आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया था तो एकदम मन भर के दो दिन हम खाए दही बड़ा और एकदम गोल गोल मैं इसको छान ली थी बड़ा को क्योंकि मेरे हाथ से नहीं होता था पहले नहीं होता था अभी हो रहा है तो इसको गोल गोल उस दिन नहीं हो रहा था एकदम हार्ड हो जा रहा था तो मैं इसीलिए इसको गोल गोल डाल दी थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए तो ये बहुत बढ़िया था दही बड़ा तो इसके लिए मैं काट ली ओनियन को और धनिया पत्ता थोड़ा इसे काट ली सेब भी था जो पैकेट का सेब आता है तो उसको मैं नहीं डाली हूँ मुझे इतना पसंद नहीं वो उसे तो खाली आलू कस्सा दे के उसमें मैं हम लोग खाए थे और प्याज व्याज ये दे के बहुत बढ़िया लगा इवनिंग का टाइम तो ये था मेरा दिन भर का वीडियो और रात का वीडियो मैं नहीं बनाई उस दिन बस शाम तक था मॉर्निंग से तो यहाँ पे मैं पिंटू को और ये जो पानी दे रही थी दही का पानी एकदम मस्त लग रहा था बड़ा से दही का पानी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करूँगी और नहीं इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम बड़ा एंजॉय करके मैं ब्लॉग को स्टॉप कर दी हूँ तो ओके गाय चलिए मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय हैव है गुड डे बाय